तो बेस मॉडल का कितना पड़ेगा? स्कॉर्पियो एस एस 11 पे चलते जो यहाँ खड़ी अगर है। 1,80,000 बेस वेरिएंट को लेने का। ईएमआई कितना रहेगा सर ये बताइए, इसमें वेटिंग कितनी है पे आपको मिल जाएगा 1,00,000 का डिस्काउंट। तो दोस्तों फाइनली आ चुकी है हमारे सामने स्कॉर्पियो का क्लासिक वेरियंट गाइस, और आज हम करने वाले हैं स्कॉर्पियो के सभी वेरियंट का मिनिमम डाउन पेमेंट, मतलब की लो डाउन पेमेंट, कम से कम कितना डाउन पेमेंट कर सकते हो, मिनिमम ईएमआई, और साथ ही साथ स्कॉर्पियो में जितने भी वेरियंट आते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक में खासकर जितने भी वेरियंट सब का करेंगे प्राइसिंग कवर। अगर आपको स्कॉर्पियो एन का वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा, स्कॉर्पियो एन पे वीडियो बन चुकी है। सबसे पहले हम अमर सर को बुला लेते हैं, वो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने वाले हैं, तो अमर सर आ जाइए। सबसे पहले ये बताइए सर कि अमर सर स्कॉर्पियो क्लासिक हमारी है जो, इसमें कितने वेरियंट आते हैं? इसमें आता है दो वेरियंट है स्कॉर्पियो क्लासिक, एक क्लासिक एस आता है, एक दूसरा आता है क्लासिक एस 11। तो जो हमारी एस वेरियंट आती है सर वो हमारी बेस मॉडल है, ये जो वेरियंट है ये टॉप है, टॉप एंड मॉडल है S11। तो बेस मॉडल का कितना पड़ेगा स्कॉर्पियो एस? उसका पड़ जाएगा आपको जो प्राइस है, आपको दोनों प्राइस हम बता देते हैं, एक्स शोरूम भी बता देते हैं और ऑन रोड भी बता देते हैं। जी सर, आपको एक्स शोरूम पड़ेगा 13,25,000 एक शोरूम, 13,25,000 एक शोरूम एस का, एस का ठीक है। और इसका पड़ेगा ऑन रोड आपको पड़ेगा 1,63,960 एस वेरियंट का, बेस मॉडल का, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का एस वेरियंट, एस 11 पे चलते जो यहाँ खड़ी। अगर इस गाड़ी की बात करते हैं जो स्कॉर्पियो क्लासिक एस 11 S11, इसका एक शोरूम पड़ेगा आपको 17,05,601 रुपए, 17,05,601 ये एक शोरूम है, एक शोरूम। ऑन रोड सर ये पड़ेगा आपको 20,37,136 रुपए, 20,37,000 भाई 20,00,000 की गाड़ी करिए स्कॉर्पियो भाई, डिमांड है। इसका नाम स्कॉर्पियो नहीं, इसका नाम भौकाल है गाइस, आप जैसा जानते हो भौकाल है ये। तो दोस्तों अगर आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के किसी भी वेरियंट, मतलब एस और एस 11 का प्राइस चाहिए तो कमेंट में वेरियंट लिखिएगा, एस का प्राइस चाहिए तो लिखिएगा, एस 11 का चाहिए तो लिखिएगा, 5,000-6,000 का वरी होगा, बाकी प्राइसिंग आपका सेम ही रहने वाला है आपके स्टेट का, और स्टेट का नाम जरूर लिखना गाइस, तब मैं प्राइसिंग आपको अपने स्टेट का एकदम एक्यूरेट दूंगा शोरूम वाला। तो सर ये इस भोकाल को खरीदने के लिए मिनिमम कितना पैसा देना होगा ये बताइए? भोकाल जरूर है, लेकिन खरीदने के लिए आप कितना, 2,00,000-2,50,000 का ले सकते हैं। एग्जैक्ट बताइए सर, एग्जैक्ट कितना देना होगा? इसमें जो दो वेरियंट हमारा है स्कॉर्पियो क्लासिक एस और एस 11 दोनों का अलग अलग बताया जाते हैं आपको। देखिए स्कॉर्पियो क्लासिक एस लेते हैं तो 1,80,000 रुपया, 1,80,000 बेस वेरियंट को लेने डाउन पेमेंट करते हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट है स्कॉर्पियो क्लासिक एस का, ठीक है सर। ईएमआई कितना आएगा सर? उसका ईएमआई देखिए 5 साल के लिए लेते हैं अगर आप, तो वो पड़ जाएगा आपको 28,730 रुपए, 28,730 रुपए ये हमारा बेस मॉडल का ईएमआई है गाइस। और लेते हैं 7 साल में तो वो पड़ेगा आपको 22,270 रुपए, 22,270 ठीक है। तो गाइस ये आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये हमारा बेस मॉडल का ईएमआई डाउन पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं ये टॉप मॉडल 20,00,000 वाली भोकाल के बाद इसका बताइए, इसको लेने में कितना रुपए देने होंगे ये बताइए? इसमें ज्यादा नहीं देना है आपको, सिर्फ 2,25,000, 2,25,000 मतलब की 2,25,000 में मिल जाएगी, मिल जाएगी। गाइस 2,25,000 में आपको सिर्फ और सिर्फ 20,00,000 की गाड़ी मिल रही है गाइस, इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब आपका बनता है गाइस, क्योंकि यार इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं महिंद्रा, मैं सही बोल रहा हूँ महिंद्रा, लव यू गाइस, भोकाल के लिए लव यू महिंद्रा। आपको मात्र 2,25,000 में ये गाड़ी मिल जाएगी। ईएमआई कितना रहेगा सर ये बताइए? इसमें अगर आप लेते हैं 60 महीनों के लिए, जी जी 5 सालों के लिए, तो पड़ेगा 37,650 रुपए, 37,600। अगर लेते हैं आप 7 सालों के लिए तो पड़ेगा आपको 29,200, 29,200 सर ईएमआई बहुत ज्यादा आ रहा है, कम करने का कोई उपाय बताइए? आप जो डाउन पेमेंट है जी सर बढ़ा दीजिए, बढ़ाना पड़ेगा डाउन पेमेंट, थोड़ा डाउन पेमेंट बढ़ाओगे तो ईएमआई कम आएगा। अगर आपको लो ईएमआई मतलब की एकदम कम ईएमआई चाहिए तो सर का नंबर लिख लो, काम आएगा सर, नंबर बोल दो आप। मेरा नंबर है 9304904108 और हमारा जो शोरूम है इसका नाम है लीडर ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये अनिशाबाद बेउर मोड़ पे, यहीं पे पड़ती है। हाँ। सर ये बताइए कि इसमें वेटिंग कितनी है? ये बताइए, हम वेटिंग चार्ज नहीं पूछेंगे क्योंकि लेने वाला ही सब है। नहीं, वेटिंग पीरियड बताइए? वेटिंग मिल जाएगा आपको इस महीने से अगले महीने में गाड़ी मिल जाएगी, 2 महीने में मिल जाएगी, 1 महीने में मिल जाएगी। मजा आ गया सुन के, पहली बार सुन के मजा आया है, ऐसे तो पिछला बार वीडियो बनाया था 4 से 6 महीने का था, चलो तो 1 से 2 महीने के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। ये बता दी सर बुकिंग चार्ज बता दी? ज्यादा नहीं, 5-10 हज़ार रुपए, 5-10 हज़ार रुपए करके बुकिंग करा, ऑनलाइन भी हो सकता है सर? नंबर है स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है सर, को कॉल करो जल्दी से जल्दी, अभी त्योहार भी आने वाला है, तो बुकिंग कराओ जल्दी सर से। ये बात है फेस्टिव आ रहा है, जितना जल्दी बुकिंग करवाएगा उतना श्योर है गाड़ी आपको मिल जाएगा। सर ये बताइए फेस्टिव का तो सीजन आ रहा है, कुछ ऑफर? ऑफर तो कुछ है नहीं ऐसा अभी, अभी कुछ डिमांडेबल गाड़ी है गाइस, ऑफर नहीं मिलने वाला आपको। तो ऑफर अगर चाहिए तो ऐसी 400 पे जाइए, उस पे आपको मिल जाएगा 1,00,000 का डिस्काउंट। अब बात करते हैं सर ये जो हमारे गाड़ी है ये डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी हमारी अगर लोन लेने? ज्यादा नहीं है भाई, आप पैन आधार
आर दीजिए अपना जी, फिर आई टी आर दीजिए विद कंपटीशन अगर बिजनेस एंड प्रोफाइल है तो जी सर, अगर सैलरीड है तो फॉर्म 16 दीजिए, बैंक का स्टेटमेंट चाहिए जी, चेक चाहिए, फोटो चाहिए होगी जो सर NIP है, फर्स्ट टाइम गाड़ी लेने का, एक शोरूम जो गाड़ी है उस पे 80% तक आपको लोन 80% हो सकता है। अगर आपके पास ITR सैलरी स्लिप है तब आपका ये 180 में मिल जाएगी, अदरवाइज NIP केस है तो आपको 1-2 लाख रूपए बढ़ाने होंगे, एक शोरूम का जो है उस पे 80% लोन मैक्सिमम, तो 1-2 लाख बढ़ा लेना गाइस, मिले के जाओ भौका लेके जा रहे हो घर, तो 1-2 लाख से कोई वरी नहीं करता है, गाड़ी गाड़ी है गाइस। तो सर ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है? देखिए इसमें क्या है कि रेट ऑफ आपके सिविल के अनुसार से ये वेरी करता है जी जी, वैसे मिनिमम अभी चल रहा है 8.65, 8.75, 8.8 ऐसे चल रहा है। अगर सिविल स्कोर आपका 775 के ऊपर है तभी मिनिमम लग सकता है किसी बैंक, 775 के ऊपर 7 भी लगेगा सर, कम हो जाएगा तो 7 आप तो नहीं, कोरोना के समय में था, कोरोना के समय में था, अब नहीं, अब नहीं, अगर जो फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं, माइनस 1 का सिविल है उनका सर, वो भी बैंक टू बैंक भरी करेगा, उनका 9 7 वही लगेगा, 7 ओके करीब आ सकता है। तो चलिए ROI भी कंप्लीट हो चुका है गाइस, तो दोस्तों आप बताइए आपको ये भौकाल देख के कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो 1 लाख सब्सक्राइब कर दीजिए, और सर की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग फाइनेंस समझ में भी नहीं आया हो तो एक बार वीडियो फिर से भी आप देख सकते हो, अगर अदरवाइज सर से पूछना चाहते हो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर से आप कॉल करके पूछ सकते हो, साथ ही साथ टाइमलाइन है, टाइमलाइन पे आप जाके वो ऑन रोड प्राइस देख सकते हो जो आपने मिस कर दिया हो। तो मिलते रहेंगे गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।